बच्चों, आज हम आपको जगत मुनिरा में जीवाणुओं में लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। बच्चों, इसके पहले हमने आपके जीवाणुओं में अलैंगिक जनन और काय जनन के बारे में ढेर सारी बातें आपको शेयर की है। अब बच्चों, आपको ये जानना है जीवाणुओं में लैंगिक जनन होता है या नहीं। बच्चों, पहले ये माना जाता था कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन नहीं है, केवल अलैंगिक जनन के रूप से। लेकिन एक साइंटिस्ट है, लेडरबर्ग एंड टेटम। बच्चों, लेडरबर्ग और टेटम ने अपने प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन भी है। अपने प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन भी होता है। इसके लिए इनको लेडरबर्ग और टेटम ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम ये बताया था कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन के संभावना। बच्चों, तीन प्रयोग हैं जीवाणुओं में लैंगिक जनन तीन तरीके से सिद्ध किया जा सकता है। जीवाणुओं में लैंगिक जनन तीन तरह से सिद्ध किया जा सकता है। तीन तरह यहाँ पर लिखे हुए हैं, पहला है मतलब रूपांतरण जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है ट्रांसडक्शन, पार्श्वमान के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। और तीसरा है संयुग्मन यानी कॉन्जुगेशन के द्वारा, संयुग्मन के द्वारा भी यह सिद्ध किया जा सकता है कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन पॉसिबल है। अब बच्चों, हम एक एक का विस्तार से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है रूपांतरण के द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा किस तरह से जीवाणुओं में लैंगिक जनन को सिद्ध किया जा सकता है। तो बच्चों, रूपांतरण में आप बिल्कुल समझ रहे हैं, रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी एक जीवाणु को दूसरे जीवाणु में चेंज किया जा सकता है। तो इसको बताने वाले फ्रेडरिक, हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ये साइंटिस्ट हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो बच्चों, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1929 में न्यूमोकोकस बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध किया जीवाणुओं में लैंगिक जनन संभव। इसके लिए बच्चों, न्यूमोकोकस के दो स्केल होते हैं, पहला है स्मूथ विड्रन न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, इसको बच्चों क्रिया स्केल, बार बार ना बड़ा है स्केल होता है, यह स्केल। दूसरा है रफ नॉन विंडमेंट न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, इसको आर स्केल। तो आप समझ गए होंगे, स्मूथ जिनकी कैप्सूल स्मूथ होती है, चिकनी होती है, उसे यह सिस्टम करते हैं और ये न्यूमोनिया को फैलाते हैं। स्मूथ विरुलेंट न्यूमोकोकस। दूसरा लिखा है रफ
नॉन डिफरेंट यानी ये लोग नहीं फैलाते हैं क्योंकि कैप्सूल होती है वो रफ होती है इसलिए इनको आज स्टेज होता है। ये कहीं एक किस्म के दो बैक्टीरिया है एक यस स्टेज और आज स्टेज। तो सबसे पहले बच्चों बात करें कि जब हम यस स्टेज बैक्टीरिया जो रोग उत्पन्न करता है यस स्टेज बैक्टीरिया जो रोग उत्पन्न करता है अगर हम इस बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट कर देते हैं तो चूहा मर जाता है। यस स्टेज बैक्टीरिया को यदि हम चूहे में इंजेक्ट कर दें तो चूहा मर जाता है। लेकिन बच्चों अगर हम आर स्टेन बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट करते हैं तो चूहा मृत नहीं होता। चूहा मृत नहीं होता है क्योंकि यस स्टेन का कोई प्रभाव नहीं। बच्चों अगर हम यस स्टेन को हीट किल्ड अगर हम तापमान दे करके उसको मृत कर दें तब भी उसका कोई प्रभाव चूहे पर नहीं। लेकिन यदि हम यस स्टेन को हीट किल्ड कर दें यस स्टेन को हीट किल्ड कर दें और उसको बैक्टीरिया में इंजेक्ट करें तब भी बैक्टीरिया में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन बच्चों यदि हम यस स्टेन बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दें यदि उसको हम हीट किल्ड कर दें और फिर उसको हम उसके डीएनए को हम आर स्टेन बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर दें आर स्टेन बैक्टीरिया में डाल दें तो अगर उसको हम आर स्टेन बैक्टीरिया में डाल देते हैं तो जो आर स्टेन बैक्टीरिया है वो यस स्टेन में चेंज हो जाता है और चूहा निमोनिया रोग से ग्रसित हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से बच्चों उन्होंने बताया कि जो आनुवांशिक पदार्थ जो आनुवांशिक पदार्थ है वो यस स्टेन से आर स्टेन में पहुंच करके वो हेरिटेबल मटेरियल जो रोग फैलाने वाला है वो यस स्टेन से आर स्टेन में पहुंच जाता है और वो रूपांतरित हो जाता है यानी जो आर स्टेन है वो यस स्टेन में बदल जाता है। इस तरह से बच्चों उन्होंने सिद्ध किया कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन होता है क्योंकि एक यस स्टेन जो आर स्टेन में बदल जाता है। अब बच्चों हम दूसरे किस्म की बात करेंगे जिसको कहा गया है पारक्रमण ट्रांसडक्शन पारक्रमण ट्रांसडक्शन। बच्चों इस विधि में एक जीवाणु के गुण जीवाणुभोजी वायरस यानी बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए को हम दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं स्थानांतरित कर देते हैं और यह बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया में जो वायरस का डीएनए आया हुआ है यह वायरस के द्वारा दूसरे डीएनए में पहुंच करके उसको परिवर्तित कर देता है। इसको बच्चों डायग्राम के थ्रू आपको हम बताएंगे तभी समझ पाएंगे इसलिए इसके बारे में बातें अब अगली वीडियो में होगी। आज के लिए इतना ही धन्यवाद।